गुरुवार को नगरपालिका निगम भिलाई के कर्मचारियों ने निगम महापौर नीरज पाल से मुलाकात की और उन्हें यथास्थिति से अवगत कराते हुए अक्टूबर माह के वेतन न मिल पाने की बातों से अवगत कराया एवं वेतन भुगतान करने की मांग करी। नगरपालिका निगम भिलाई के इतिहास में यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि निगम भिलाई के हालात इतने खराब हो चले हैं कि उनके पास अपने नियमित कर्मचारियों को देने के लिए वेतन भी नहीं है। पिछली बार महापौर परिषद ने निगम के संचित निधि से 9,84,18,000 रुपये निकालकर कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया था, परंतु अब संचित निधि में भी इतने पैसे नहीं हैं कि उसे निकालकर कर्मचारियों का वेतन किया जा सके। कर्मचारियों ने इसे लेकर निगम महापौर से मुलाकात की और अपने अक्टूबर माह के वेतन को जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की है और आज की उत्पन्न यथास्थिति के लिए निगम क्षेत्र में टैक्स वसूली करने वाली स्पैरो सॉफ्टटेक कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके अनुबंध को निरस्त करने की मांग भी की है। साथ ही मीडिया के समक्ष यह साफ कर दिया है कि यदि नीरज पाल के कथनानुसार वेतन भुगतान 3 से 4 दिनों में नहीं होता है तो निगम परिसर में पूरी तरह से काम बंद कर दिया जाएगा। नगर निगम भिलाई की पहचान पूरे प्रदेश में अव्वल नगर निगम के रूप में थी और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी वहीं संयमित रूप से अपनी बातों को उचित मंच पर रखने की आदत है और हम लोगों ने आज पहली बार ऐसा स्थिति आई है कि वेतन 17 तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग अंदर से जब प्रशासन से परामर्शदात्री समिति में माननीय आयुक्त महोदय से चर्चा किए थे तो ये बात सामने आई थी कि जो माध्यम है आर्थिक रूप से सबल बनाने का नगर निकाय को, उसको शासन ने कटौती धीरे धीरे करते हुए आज ऐसी स्थिति है कि आर्थिक रूप से विकलांग नगरी निकाय होते जा रहा है। कई कई छोटे नगरी निकाय को शासन अनुदान देती है लेकिन प्रदेश में नगर निगम भिलाई का नाम सर्वोच्च ऊपर है, इसलिए इस पर अनुदान पर भी विचार नहीं करती सरकार। इसके पूर्व कई अनुदान दिए हैं लेकिन नगर निगम भिलाई को अनुदान नहीं दिया गया। माननीय विष्णु चंद्राकर जी ने बताया था कि चूंकि क्षतिपूर्ति के लिए कई पत्र लिख चुके हैं कि उसको बढ़ाया जाए प्रति व्यक्ति की आय में, उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है और ये सरकार की नीति नगरी निकाय के बारे में गलत है, जिसके कारण नगरी निकाय आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। वेतन न मिल पाने की स्थिति में कैसे काम करना संभव होगा, क्या रणनीति होगी, क्या आगे का कदम? नहीं, हमारे पास तो एक हथियार है, कर्मचारी संघ हमेशा अपने झंडा को लेकर चलता है, अगर वेतन नहीं तो काम नहीं की नीति पे हम लोग अभी महापौर जी ने आश्वासन दिया है 3-4 दिन का, उस तिथि का इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर कर्मचारी संघ के लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श करके आम कर्मचारियों से राय लेकर हम वही नीति है अपनी कि वेतन नहीं तो काम नहीं, उस पर हम आगे रणनीति बनाएंगे। हाँ, अभी हम महापौर जी से चर्चा कर रहे थे तो महापौर जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि शहर के जो बड़े बड़े बकायेदार हैं उनसे मैं खुद बैठ के फ़ोन कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि इसको एक निजी एजेंसी संपत्ति कर वसूली का काम कर रही है, निजी एजेंसी के द्वारा संपत्ति कर की वसूली की जा रही है। जैसे कि संजय शर्मा जी ने बताया कि कई मकान ऐसे हैं जो 5 वर्ष पूर्व भूतल था, आज वो 3 तल हो गया है लेकिन उसकी गणना स्पैरो कंपनी द्वारा नहीं की जा रही है। ये आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नगर निगम को नुकसान पहुंचा रहा है। हमने महापौर जी से कहा है कि स्पैरो कंपनी के टेंडर जैसे ही अभी 1 महीना बचा है उसको समाप्त करके हमारी नगरी निकाय के लोग जैसे पूर्व की भांति काम करेंगे। 100% वसूली का हमने तमगा हासिल किया है कई बार, तो वो अगर हम कर्मचारी फील्ड में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर 100% वसूली नए ढंग से अपन कर पाएंगे। निगम की आर्थिक स्थिति कमजोर है क्योंकि शासन ने आय की आर्थिक घेराबंदी कर दी है। आय के स्रोत जहाँ जहाँ से हमारे पास में निगम स्वयं अर्जन करता था उस सब पर रोक लगा दिया है, इस कारण से वेतन भुगतान में विलंब हो रहा है, वेतन भुगतान की स्थिति विकराल हो रही है। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग महापौर जी से मिले थे, महापौर जी को सारी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। महापौर जी शासन से भी चर्चा करेंगे और हमारे आयुक्त से भी चर्चा करेंगे, यथाशीघ्र वेतन भुगतान की आश्वासन महापौर जी द्वारा दिया गया। नहीं, शासन सौतेलापन नहीं दिखा रहा है, शासन की जो नीतियाँ हैं वो नगरी निकाय को नीचे गिरा रही है। इस नगरी निकाय सारे नगरी निकाय धीरे धीरे आर्थिक रूप से एकदम विकलांग हो जाएंगे और हम शासन पे आश्रित होंगे, अनुदान मांगेंगे। ये स्थिति से उभरने के लिए हमने अल्टरनेटिव दिया है कि जो अर्जन हम लोग करते थे, जो नगरी निकाय की मूल आय के स्रोत है, उसको न रोका जाए। क्या कारण है कि टैक्स वसूली काफ़ी कमजोर चल रही है भिलाई निगम? टैक्स वसूली का सर्वे बहुत 2011 में हुआ था और तब से जितने उस मात्रा में हो रही है, लेकिन तब से अभी तक के बहुत सारे भवनों का निर्माण भी हो चुका है जिसका सर्वे करना और पुनः निर्धारण करने के लिए आयुक्त से चर्चा की गई है। कर्मचारियों से मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू होकर निगम महापौर नीरज पाल ने जल्द से जल्द निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हो जाने की बातें कही हैं। कर्मचारियों का वेतन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा,
कुछ वसूली में कमी होने के कारण परेशानी हुई है। हमारे यहाँ नगर निगम की जो प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारी इनकम है उसका एक बड़ा हिस्सा बीएसपी से आता है और बीएसपी से हम लोगों को काफ़ी समय से वो नहीं मिल पा रहा है जो हमको नगर निगम को लेना है। उससे निगम की आय प्रभावित हुई है और उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है, लेकिन जल्दी उसका निराकरण कर लिया जाएगा। देखिए, वो भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, कार्रवाई जो नियमता होनी है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वो तो होगी ही, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि प्रॉपर्टी टैक्स बराबर आ जाए ताकि ये जो समस्या आ रही है ना हो। जहाँ तक कर्मचारियों के वेतन की बात है तो उसके लिए आज कमिश्नर हमारे नगर निगम के जा भी रहे हैं शासन में, और कुछ फंड हमारे पास ऐसे हैं जो नगर निगम की इनकम के जो हमारे पास जिसमें डायरेक्शन हमको शासन से लेना है, जैसे हमारे फ्री होल्ड का जो पैसा है वो हमारे एक अलग अकाउंट में, निगम के अलग अकाउंट में है, उसकी अगर अनुमति मिल जाती है तो इस समस्या का समाधान आज ही हो जाएगा। निगम के कर्मचारियों ने पूर्व में खुद के द्वारा 100% टैक्स वसूली करने की बातें कही हैं और कहा है कि एक बार पुनः टैक्स वसूली का कार्य निगम के नियमित कर्मचारियों के सुपुर्द कर दिया जाए। देखना होगा कि निगम कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान कब तक हो पाता है या फिर एक बार पुनः निगम के कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।